यार मैं दिल्ली के सर्जी से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि जो जिस तरह की सर्दी होनी चाहिए थी वो थी नहीं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का चक्कर कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी थे, उनके कैबिनेट के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फिल्म एक साथ देखी, सबको फिल्म बहुत पसंद आई, और बाकी जो मेहमान थे उन सबको बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे मैसेजेस भेजे हैं सबको जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो बहुत खुशी होती है सुनकर। सर फिल्म तो कल रिलीज़ होगी, इस वक्त मैं क्या बता सकता हूँ क्या रिस्पॉन्स है। जिन्होंने भी देखी है सबको फिल्म पसंद आ रही है, परफॉर्मेंसेज पसंद आ रहे हैं, तो ये एक मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो बहुत खुशी है हम सबको कि जिन्होंने भी फिल्म अब तक देखी है उन्हें सारी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है उन्हें फिल्म पसंद आनी चाहिए, उसमें एक्शन हो ना हो वो अलग बात है, तो फिल्म पसंद आ रही है वो बहुत ज़रूरी चीज़। कम बिजॉय मैं तुम्हें बुला लूँ। क्या मतलब ट्रेडिशनल जी Of course. The film is extremely special to me, and I'm just as nervous and excited as everyone here who's waiting to watch the film. So Less than 12 hours to go. But we've been kind of the screenings have already been started, so we've been getting feedback nonstop. So what's your state right now? Well, to be very honest, I'm just excited. I'm not more than nervousness, it's more excitement. I'm just waiting to see how the audience is going to receive it. जी नील आ रहे हैं यार, इज ऑन द वे, ट्रैफिक में फंसे। चलिए आपका और कुछ चाहेंगे आप? कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे, कुछ ऐसा? जी थैंक यू जी जी। मतलब इसका क्रेडिट अगर फिर किसी को देना है तो आपको डायरेक्टर को देना पड़ेगा, और क्योंकि जो परफॉर्मेंसेज हैं एक्टर्स के वो तभी अच्छे होते हैं जब आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, एक ऐसी क्लैरिटी हो किसी भी एक्टर के दिमाग में कि मैं क्या कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो मुझे बहुत खुशी है कि सब ने मतलब तारीफ़ कर रहे हैं फिल्म की, परफॉर्मेंसेज की, और ये क्रेडिट मतलब जाएगा फौज बिजॉय को जो डायरेक्टर हैं। सुन हाँ, मतलब एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें एक साथ फील होती हैं, क्योंकि मतलब इतनी मेहनत से एक फिल्म बनती है, मतलब साल लग जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे साल लग जाते हैं फिल्म बनने में, और जब एक ही दिन पे डिसाइड होगा लोगों को कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही, तो ऑफ़ कोर्स एक एक्साइटमेंट रहता है, एक नर्वसनेस रहता है, एक एंग्जाइटी रहती है, मगर हमसे जो भी हो सका हमने मतलब बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी कि आपको एक अच्छी कहानी दे, एक एंटरटेनिंग कहानी दे, एक होलसम कहानी दे। अब बिल्कुल ऑडियंस पे जो सब यहाँ देख रहे हैं इस चैनल पे, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप कल जाएँ और इस फिल्म को देखें, आपको बहुत अच्छा लगे। Congratulations to Mr. Bachchan for becoming the brand ambassador of Incredible. Have you interacted with him lastly? No, we met when he was in Bombay last. We had a press conference. You were there? We had a press conference here. I think he's gone back to Kolkata to shoot on a film. So since then I haven't obviously spoken. And he's busy promoting the film there in Kolkata. जी? सर यहाँ पर एक बहुत ही शानदार इंसान है विद्यु विनोद चोपड़ा जी, वो आके आपको बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल यकीन है कि कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा उन्होंने, क्योंकि मतलब बहुत हफ्तों से हम कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उन्होंने अब तक बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी कि मतलब और भी करना बाकी है, तो करेंगे कुछ ना कुछ। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब जो लोग आपसे पर्सनली कहते हैं, मैं क्या कि कैमरा पे कहूँ कि किसने मुझसे ऐसा कहा, अच्छा नहीं लगता, थोड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन सच बात यह है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, सच बात यह है कि लोगों को परफॉर्मेंसेस पसंद आ रहे हैं, डायरेक्शन का काम पसंद आ रहा है, अदिति का काम पसंद आ रहा है, म्यूज़िक पसंद आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जब लोग आपसे कहते हैं, क्योंकि हम सब गए हैं ट्रायल शोज पे, और ऐसा होता है कभी कभी ट्रायल शो पे जब हम निकलते हैं तो आप दरवाज़ा का रास्ता देखते हैं कि मैं जल्दी से निकलूं, तो ये ऐसा होता है, लेकिन जब सारे इंसान जो आए हैं उस ट्रायल पे आकर आपसे बात करते हैं और आपसे कुछ कहेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आपको ना कि कुछ ना कुछ तो मतलब सही लगा है उनको, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। थैंक यू जी। हैप्पी बर्थडे टू मी। अच्छा, बर्थडे टुमारो ऑन द 9th। या
I'm just hoping कि जितनी खुशी हमें हुई ये फिल्म बना के, जितनी खुशी हमें हुई ये कहानी आपके सामने पेश करने की, I hope that the audiences feel as excited about it as we do. I feel it's a really, really gripping story about these amazing people. It emotionally sucks you into the story, which is what we all felt when we read it. And I hope that you feel the same way. It's, for me, it was a big privilege actually to be a part of Wazir, to work with the people that I work with. So I hope that you will give us the love. रूहाना है ऐसी लड़की, तो इट वॉज करेक्ट फॉर द पार्ट फॉर मी टू बी ड्रेस्ड लाइक दैट, एंड आई हैड अमेजिंग पीपल हु ड्रेस्ड मी लाइक दैट, एंड आई थिंक इट इज़ ट्रू टू द कैरेक्टर. आई थिंक जब फरहान एंड मिस्टर बच्चन हैं देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. I don't want to talk about that just now. Today is Wazir Day. So let's talk about Wazir. Har jagah pe promotions ho rahe hain. Delhi mein jaise aap chal gaye the, aaj Mumbai mein bhi promotions ho rahe hain. To abhi tak ka compliment kya mila, best compliment? Best ek compliment main aise nikal ke I can't tell you. I can say that the feedback has been amazing, and for me to be in a film with Mr. Bachchan and Farhan, and for me to have got compliments, that has given me a sort of a whole different thrilling kind of feeling. So I just feel ki jab aapke samne bahut amazing actors khade hote hain, they make you look better, and I feel that is the case with Wazir and for my experience in Wazir. So it's, Thank you so much. नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद बहुत बहुत आने का. आपको तो सवाल जवाब मैंने कल दे दिया. आपने फिल्म देखा अभी कि नहीं देखा? हाँ, तो अभी देख लीजिएगा प्लीज कल. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग. एंजॉय द फिल्म.